नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम बसैठा के मखिया में हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जदयू के तमाम लोग यहाँ मौजूद है और क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है जो आप लोग यहाँ पर है। हम लोग पूरे बिहार में कार्यक्रम, माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम है, आज सीतामढ़ी से मधुबनी के लिए आगमन हो रहा है। उसमें हम लोग का अति कार्यक्रम है सद्भावना बचाओ देश बचाओ के तहत हम लोग कार्यक्रम है, जो बीजेपी बार बार जनताओं के बीच में दिग्भ्रमित फैला करके वोट जो उछलने का काम कर रहे हैं, अति पिछड़ा को जो ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे बिहार के जो लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी हैं, वो जो है सो 17 वर्षों से लगातार गरीबों, गुजरगो, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ो, प्रत्येक वर्ग में काम करने का जो काम किए हैं, उसको जो है हर क्षेत्र में जा कर के अपना जो कार्य किए हैं उसको जो है सो जागरूक कर रहे हैं और जनता के बीच में जा कर के कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के एक जोश भरने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी आज आ रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष मधुबनी जिला के लिए रहने वाला है? मधुबनी जिला के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, क्यों माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है, काम किए हैं विकास के, यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के काम, क्योंकि जो ठग की पार्टी है वो पार्टी दीर्घ भ्रमित करते हैं कि हमारे पार्टी ने काम किया और वो अपने पार्टी के काम बताते हैं, उसी को तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आ रहे हैं। और ये पूरे बिहार में कार्यक्रम चलेगी, सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम हुई और अभी मधुबनी में आके वो चंद्रा होटल है जो पार्टी ऑफिस, वहाँ पर कार्यक्रम रहेगी और बहुत मजबूती से कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे और मजबूती से वो अपनी बातों को रखेंगे और पूरे बिहार में मधुबनी में फैलाई जाएगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी आ रहे हैं, जिसका जो बसैठा है, मकिया है, यहाँ लोग इंतजार में हैं। जो भी कार्यकर्ता है उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करने के लिए है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये जानेंगे कल चुनाव, उपचुनाव का जो नतीजा निकला है मोकामा और गोपालगंज, कितनी खुशी कितनी गम? बहुत खुशी है, चूँकि हम लोग जान ही रहे थे कि मोकामा भी जीतेंगे और गोपालगंज भी जीतते, लेकिन हम लोग में खुद लोग जो है कुछ जो है गड़बड़ हो गया, कुछ लोग खड़े हो गए, वोट थोड़ा सा बट गया, इसीलिए जो है जैसे MIM ने बांट लिया 12,000 और साधु यादव 8,000, ये हम लोग का वोट ही था, वो आपस में हम लोग का वोट बढ़ गया, इसकी वजह से वहाँ हार गए। हम बीजेपी से नहीं हारे हैं बल्कि हम जनता से हारे हैं, और आने वाले दिनों में जो है सो हमारा यहाँ बिहार में जो भी सीट अब आएगा, इलेक्शन लड़ा जाएगा, सब हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जो है हम लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है एक हम लोग चलाने जा रहे हैं, और उनका बागडोर, अगला बागडोर जो है 24 में नीतीश जी को देना चाहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी भी उन्हीं का मैसेज लेके आए हैं और पूरे बिहार में जो है देश सद्भावना बचाओ देश बचाओ वो इस रैली कर रहे हैं और गाँव में शहर में जाके मैसेज दे रहे हैं, और नीतीश जी का भी मैसेज जो है वो तमाम फैला रहे हैं, और पार्टी का जो मैसेज है वो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे जन जन में घूम के जो है फैला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी की मजबूती के लिए हाँ आ रहे हैं, हमारे साथ युवा नेता, हम जानेंगे क्या कुछ खास होने वाला है आज? खास यही है कि हम लोग जो है युवा जनता दल यू मधुबनी के द्वारा और जदयू परिवार के सभी तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी साथी, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी भी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के, और हम लोग सभी युवा साथी और जदयू के तमाम महिला नेत्री, हमारी बड़ी बहन सीमा मंडल जी भी हैं, हम लोग नेता जी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मकिया पुल है, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे मधुबनी चंद्रा कॉम्प्लेक्स जो जदयू कार्यालय है वहाँ पे जो है सद्भावना बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया है, उसमें नेता का इंतजार में हम लोग हैं और बहुत जोश खरोश के साथ हैं। विकास तो नीतीश कुमार जी किए हैं, और विकास ही नहीं, उनका जो है गिनीज बुक में एक नाम है कि आज जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, युवा, सभी समाज के लिए, महिला के लिए, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं जब से हम लोगों को, जब से ये हुआ कि विकास के रास्ता पे, तो विकास के गति को तेज अक्सर बढ़ाए तो नीतीश कुमार जी बढ़ाए, और सभी हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और जोश खरोश के साथ उनको स्वागत करते हुए
मधुबनी जिला जनता दल यू कार्यालय में लीजिए। तमाम जो कार्यकर्तागण हैं कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर मखिया में है और उपेंद्र कुशवाहा जी का इंतजार में है। उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, यहाँ स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जो मधुबनी में कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए सभी लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।